नमस्ते, मुझ श्रीमती पुष्पांगड़ ऋषि लक्ष्मी नृसाई 14 नंबर गड़स्थित श्री बेकानंद विद्यामंदिर आचार्य। आज मोर एक कालांशी दशम श्रेणीर शिशु भाई भाई लगी उद्दिष्ट। आज कालांशे आम कालर कपोल तले गल्प विषय पढ़ा जार गल्पिका होती श्रीमती नंदिनी शतपथी महोदया, जो थी कलिंगर जातीयता बोध, नारी आत्मसम्मान एवं देश जाति लगी आत्मबलिदान, यह सब विषय खूब सुंदर भाव में वर्णित होगा। आम पूर्व कालांशे पढ़ते जे अंगद चौधरी जे कि नालंदा विश्वविद्यालय इतिहास विभाग जन छात्र इतिहास गवेषणा कार्य ओडिशा आस गवेषणार मुख्य विषय हो मगध सम्राट अशोकों कलिंग आक्रमण समय कलिंगर राजा किए थे क्या पराजित कर से निजर विजय ज्ञापन उड़ाई। यह गवेषणा कार्य आसवा समय से कलिंग मगध सम्राट अशोकों से कलिंग आक्रमण समय से विभीषिका दृश्य को मन मन कल्पना कर भीतत्रस्त हो धौली पहाड़ से पथर मुंडियाटा उपर दुई आंटु भितर मुह को गुंजी बस जाए से समय पृष्ठ देश में से कहार हस्तर स्पर्श अनुभव करने को पाई पक्ष को बुले देखती तो सामने ढाई जड़े विशा दीर्घदेही पुरुष जहाँ आखिरे असामान्य दीप्ति जहाँ वेश पोषाक मन होता से जड़े सम्राट वंशर राजवंशर जहाँ को परिचय जहाँ परिचय पाइबा निम्ते अंगद चौधरी बुले बुले पचारे आपण कौन कलिंगर महाराजा तार प्रत्युतर से कहते से कहते ना किंतु मु तुमको नहीं जीवी कलिंगर महाराज पाखक स्वर इत्ते गंभीर था स्वर निमंत्रण स्वर भाई कोमल ना था आदेश स्वर भाई खूब गंभीर एवं अंगद सत्य जमी मंत्र चालित अनुसरण कर किंतु तुमको अनुसरण करने समय से एत द्रुतगति में से विशाल दीर्घदेह पुरुष जनक एत द्रुतगति में पदपात करते अनुसरण करने अंगद पक्षे संभवपर नणु मझे मझे से रही जाते कही आपण को गति सहित चलवा तो भारी कष्ट तार प्रत्युतर से दीर्घदेह पुरुष जनक कहते मु तो दुनिया सबुठ शीघ्र चल तापर से दीर्घदेह पुरुष जनक कलिंग को सरी अंगद को कलिंग राजप्रसाद द्वार देश सम्मुखें छाड़दे से उभान हो जाए बर्तमान आम परवर्त प्रसंग को जीवा। कलिंग राजप्रसाद दरबार कक्ष निकट में उपस्थित हो अंगद देखी जे महाराणी पूर्वकी कलिंगर महाराणी पूर्वकी धीरे धीरे पहाच पर पहाच अतिक्रम करी कलिंगर दरबार कक्ष मध्यर को प्रवेश कर आ दुईपटे दासदासीगण मुंड नुआई सम्मान जनाऊ महाराणी प्रवेश मात्रे दरबार कक्षर समस्त गुंजन जहाँ कि गुंजन सृष्टि जो सब सभासद मानक जो धीरे धीरे कोलाहल जो शुणा जा सब कि सबकि शांत नीरव स्तब्ध पाते समस्त पूरा नीरव जा पात्र मंत्री पारिषद वर्गों समेत समस्त सेना नायक मानी ससंभ्रम अभिवादन जनाए अभिवादन जनइले महाराणी पूर्वकी निजे आसन ग्रहण कर बसवाक निर्देश दे गृह आसीन समस्त मुहरे गभीर उत्कंठा कहीं कान डेरिले हुए तो शुणीपारता केवल द्रुत हृत्स्पंदन शब्द समस्त उद्वेगर अवसान घटाई महाराणी पूर्वकी घोषणा कले महाराजा अवस्थार कौन परिवर्तन होना किंतु से आपण मानक विचारपाई एक बार्ता पठाई महाराणी कलिंगर महाराणी पूर्वकी दरबार मध्य को प्रवेश करिया मात्रे समस्त दासदासी मुंड नई सम्मान जनाई एपरिक दरबार कक्ष में उपस्थित थिबा पात्र मंत्री पारिषद वर्ग एवं सेना नायक माने मध्य ससंभ्रम सम्मान जनाई एवं तत्पर पूर्वकी निजे आसन ग्रहण कर अन्य मानक बसापी निर्देश दे गृह आसीन अर्थ गृह बसी समस्त मुहरे गभीर उत्कंठ गभीर आग्रह कहीं मानी से मनरे परवर्ती अवस्था कौन हम जानापी मनरे एत मात्र आग्रह से मात्र उद्विग्न मनरे महाराणी पूर्वकी को चाह रही जे कहीं जदि कान पारिक जब शुणा तो समस्त हृत्स्पंदन शब्द सी प्राजल भाव में शुणी पार
समस्त उद्वेगर अवसान घटे समस्त उत्कंठार शेष घटाए महाराणी पूर्वक घोषणा कले जे महाराजा अवस्था कौन सी परिवर्तन होना अर्थ कलिंगर महाराज भयंकर दुरारोग्य व्याधि पीड़ित आउ जहाँ अवस्था कौन सी परिवर्तन होवार सूचना ना किंतु से कलिंगर प्रजा मानक विचार निम्ते एक बार्ता प्रेरण करवल महामंत्री महाराणी कुरुबकी मुहर एक कथापदी शुणी केवल महामंत्री निज आसन उठी कहले आज्ञा करतु महाराणी कलिंग महाराज समस्त आदेश आम शिरोधार्य आज्ञा करतु महाराणी कलिंग महाराज समस्त आदेश आम शिरोधार्य अर्थ आम समस्ते मानवाप प्रस्तुत गुरुबकी उपस्थित समस्त थे आखि बुले आणले धीरे धीरे कहले आमर एकम्र दायद राजजेमा राजेश्वरी को महाराज ए राज्यर दायित्व अर्पण करने को चाहती अनुपस्थित बर्तमान ठार् से समस्त कार्य परिचालना करूँ बोली महाराज इच्छा आपण मान कौन ए सम्मति अच्छी गुरुबकी सभार उपस्थित जिते जन सभासद अच्छा समस्त थरुड़े नजर घूर आणले एवं तापरे धीरे धीरे कहले आमर एकम्र दायद एकम्र उत्तराधिकारी राजजेमा राजेश्वरी को महाराज ए राज्यर दायित्व अर्पण करने चाहती अनुपस्थित अर्थात महाराजा अनुपस्थित वर्तमान ठार् राजजेमा राजेश्वरी समस्त कार्य परिचालना करूँ यह महाराज इच्छा कलिंग महाराज इच्छा कौन थी जे अनुपस्थित पुत्री राजजेमा राजेश्वरी राज्यर शासनभार ग्रहण करूँ आपण मानकर कौन ए सम्मति अच्छी से प्रजा मान सम्मति लोड़े जे प्रजा मैंने प्रस्ताव में सम्मति तो पाने आजपाई पढ़ी परवर्ती कालांश परवर्त प्रसंग को जी रोचे।